अक्षरा सिंह के आरोपों से क्या हो सकता है पवन सिंह का करियर खत्म? जी हाँ, आज हम उसी बात पर कुछ रोशनी जरूर डालेंगे, क्योंकि पवन सिंह जिस पार्टी के सदस्य हैं वहां पर विवादों से जुड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। क्लीन और साफ सुथरी छवि वाले लोगों को ही पार्टी में उच्च स्थान दिया जाता है। अगर पार्टी में कोई भी, यानी कि जिस पार्टी से पवन सिंह जुड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी से, उस पार्टी में अगर कोई भी व्यक्ति किसी विवाद से जुड़ा है तो वो पार्टी का लेना देना नहीं होता। साथ ही इसे पार्टी की छवि को कुछ नुकसान पहुंच रहा है, तो भाई आपका रास्ता पहले से ही क्लियर कर दिया जाता है, यानी कि आपको पार्टी से हटा दिया जाता है। हाँ, पवन सिंह पर जो लगातार अक्षरा सिंह ताबड़तोड़ हमला कर रही हैं, उसे देखकर ये लग रहा है कि पवन सिंह की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। साथ ही पवन सिंह के ट्रेलर को वो व्यूज नहीं मिला जो व्यूज उनके अब तक के सभी ट्रेलर्स को मिला है। इसके पीछे भी रीजन अक्षरा सिंह द्वारा लगाए गए एलिगेंस ही बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पवन सिंह की छवि को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है इन सब चीजों से। पवन सिंह ने अपने पर लगे हुए किसी भी विवाद को आज तक क्लियरिफाई नहीं किया है, तो माना जा रहा है कि अक्षरा सिंह के विवादों पर भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। और ऐसा हुआ भी, जब रिपोर्टर्स ने उनसे कुछ सवाल किए तो उस पर वो नो कमेंट कहकर चलते बने। पवन सिंह के लिए अब दिनों दिन मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन सब चीजों से पवन सिंह कैसे ट्रैकल करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।